अनुसंधान केंद्र विभिन्न देशों के अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। भारत के भी तीन प्रमुख केंद्र अंटार्कटिका में स्थित हैं। पहला है दक्षिणी गंगोत्री, बगल में लिखी है, इसको अब नष्ट किया जा चुका है। जैसे यहां पे दिखाई दे रहा है अभी मैपिंग में, ठीक है ना, आपके मैप में भी होगा, विश्व का जो मैप है। दूसरा है मैत्री, तीसरा है भारती, अलग से लिखना हिमाद्री, ये अलग से लिखना है। इनके अलावा ये आर्कटिक में है, ये अंटार्कटिका में नहीं है, ये आर्कटिक में, ठीक है ना। हिमाद्री इसके आगे लिखिए, यह भारत का आर्कटिक क्षेत्र में प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, अब लिखिए ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, ठीक है ना, यह अंटार्कटिका के मध्य भाग में स्थित पर्वत है, जो इसे दो भागों में बांटता है, वृहत अंटार्कटिका, लघु अंटार्कटिका। वृहत वाला जो भाग है वो ये वाला भाग है, इसे अपन वृहत कहते हैं, और जो छोटा भी दिखाई दे रहा है बीच से जा रहा है उसे अपन लघु कहते हैं। वृहत अंटार्कटिका और दूसरा है लघु अंटार्कटिका। यह वेडेल सागर से रोज सागर तक विस्तृत है। वेडेल ये ऊपर लिखा है, से ये रोज नीचे लिखा है। वेडेल सागर से रोज सागर तक विस्तृत है।
इस पर्वतीय क्षेत्र में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसप मैसिफ है। ठीक है ना, इतना ही ठीक है ना। अंटार्कटिका हो चुका है अब, ठीक है ना, तो महाद्वीप हो चुके पूरे। अब अपन पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर कल से, ठीक है ना। आपको जो भी विश्व भूगोल में पढ़ाया उसका एक होल टेस्ट होगा सभी महाद्वीपों का एक साथ में, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें, कितने क्वेश्चन आएंगे 100, जिसमें आपको पूरे करने हैं। जो भी अपन पढ़ रहे थे अलग अलग भागों में पढ़ रहे थे, पूरा पेपर अब एक साथ आएगा। उसके अगले दिन आपके टेस्ट होगा रिटर्न, जो आप पढ़ रहे हो और लिखने का भी प्रैक्टिस करें, उसमें छोटे बड़े क्वेश्चन आएंगे। छोटे का सेंस है 20 शब्दों में, जैसे आपको लिखना है नील नदी, तो नील नदी के बारे में 20 शब्दों में भी लिख सकते हो, आप 50 शब्दों में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कैसे आपको कॉम्पैक्ट करके लिखना है और कैसे आपको बढ़ा के लिखना है, ठीक है ना। तो विश्व भूगोल का एक पेपर आपके अगले दिन ऐसा भी होगा, ठीक है ना। तो दो दिन दो पेपर होंगे आपके, ठीक है ना, कल नहीं परसों या तरसों से, ठीक है ना। मेरे क्लास में होंगे, जब मैं अब्सेंट रहूंगा उस दिन टेस्ट होगा, ठीक है ना, तो क्लास का यूज हो जाएगा जब भी मैं अब्सेंट रहूं। अभी कोई फिक्स नहीं अब्सेंट वाला, पर जब भी रहेंगे उस दिन आपको करवा देंगे ये लोग यहां से जो भी रहेगा। तो आप तैयारी कर लें, ठीक है ना। क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे जैसे आपको भी पूछते आए हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से तैयारी है, पर अभी क्या था कि लिमिटेशन था मेरे पास। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ा रहा हूँ तो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा पूछ नहीं सकता था मैं, ठीक है ना। और आपको भी पता था कुछ भी है घुमा फिरा के ऑस्ट्रेलिया ही पूछ रहे हैं सर। अब मेरे पास रेंज बढ़ गई है, मतलब पूरे विश्व की नदियां पूछ सकता हूँ, पूरे विश्व की चोटियां पूछ सकता हूँ एक साथ में, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट यूरोप से पूछ सकता हूँ, एक दक्षिण अफ्रीका से पूछ सकता हूँ, ठीक है ना। तो वैरायटी हो जाएगी, तो आपको भी थोड़ा हो जाएगा कि जो पढ़ा है वो आएगा, भूगोल हिस्ट्री पॉलिटी, ठीक है ना, राजस्थान मैथ्स रीजनिंग साइंस वगैरह सब साथ में आएगा। तो आपको प्रैक्टिस आपको ही करनी है, ठीक है ना। जिनके पास नोट्स नहीं है वो मेरे से मिल ले, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा पीडीएफ जो भी मेरे पास है, ठीक है ना, उससे आप लोग पढ़ लें। ड्रेस था फाइनल कर रहा हूं ना, वो मंगवा लूं भाई, टी शर्ट चाहिए, ठीक है, कह देंगे टी शर्ट और फॉर्मल पैंट, फिर तो जींस ही करवा दोगे। हाँ माता बच्ची ही नहीं, ठीक है, पैंट करवा देंगे, जींस भी करवा देंगे, जो तो जींस पहनना चाहते हैं वो जींस पहन के आ सकते हैं। शर्ट ही चाहिए यूं? हाँ तो वो तो दोनों ऑप्शन रहेगा, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना।